हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना के बायस तमाम तलीमी इदारे बंद करने का फैसला कर लिया है। हुकूमत के इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं कि यह फैसला ठीक है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ ईशान मेरा नाम है और इस्लामी जमीयत तलबा साहिवाल डिवीज़न का ज़िम्मेदार हूँ। मैं ये अभी कोरोना की जो सिचुएशन है, आप ये देख लें कि हर तरह के अदारे हमारी गैदरिंग और हर जगह ओपन है, लेकिन पता नहीं हमें इस बात के ऊपर समझ नहीं आ रही कि हमारे इंस्टीट्यूट और हमारे अदारों के अंदर ही कोरोना ने आना है। मेरा ये मुतालबा ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि आप SOPs के तहत हमारे इंस्टीट्यूट को ओपन किया जाए, और ये जो तबका पढ़ने वाला तबका है जहाँ से इलम हासिल करना है स्टूडेंट है, वही चीज़ों को आपने बंद किया है, लिहाजा हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और मैं इसके ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाता हूँ। सर, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो अभी तक देखने में आया है, स्टूडेंट्स बड़े खुश हैं, यूनिवर्सिटियों में भंगड़े डाले जा रहे हैं, बच्चे भी बड़े खुश हैं, तो स्टूडेंट्स की तरफ से बड़ा खुशाइन देखा जा रहा है इस फैसले को। ये बात ठीक है आपकी। असल में तो ये ओवरऑल एक ये बात भी समझने की जरूरत है कि हमारे यहाँ यहाँ इलम की कमी है, बस तालीम का शऊर बहुत ज्यादा कम है। हमारी डिग्रियों के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत है और इसलिए भी मोहब्बत ज्यादा है कि क्योंकि पेपर्स हैं और हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ने में जरा आसानी है, वो इसलिए आसानी है कि जरा हम जिस तरह उसको कवर अप करने लगे, तो इसलिए स्टूडेंट जरा इससे जरा अग्रेसिव भी है और खुशी है। लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये हमारी नस्लों का बेड़ा गर्क होने के ये इस हुकूमत का पूरा जो है ना रोल है, तो हम लोग कहते हैं कि इसको बस SOPs के तहत जरा जल्द से जल्द यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को बहाल किया जाए और ओपन किया जाए। और इसके बाद मैं एक और बात भी करना चाह रहा हूँ कि देखिए यूनिवर्सिटीज कॉलेज का मसला नहीं है, इनके साथ बड़े लोग रिलेट हैं, आप बाकी तबका देख लें, उनका मुआश इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो सारा तबका आप देख लें कि अभी स्कूल अभी ही वो उन्होंने अपने सेटअप को ओपन किया था और ये बेहतर किया था, तो जैसे ही फिर लॉकडाउन हो गया तो उनका बिजनेस फिर उस तरह, तो वो फिर मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इसके ऊपर पूरा। साहिवाल रंग की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।